क्वेश्चन निकालेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मालूम है सबको याद है, क्वेश्चन कुछ दिनों से सीख रहे हैं ठीक है। मध्य अध्याय 13 निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 10 एंड 11। अगर मध्य अध्याय 13 कर लिए जैसे दहानिया करा, मैथ्यू चैप्टर 13 10 एंड 11। मध्य अध्याय 13 जैसे दहानिया करा, मध्य 13 उसका 10 और 11। मध्य अध्याय 13 जैसे दहानिया करा। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ नहीं है पर उनको नहीं। वचन की सेवा को आपके हाथों में देते, आपका वचन क्या ही संगत, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन और ज्ञान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करें। ध्यान से प्रभु में वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना, तैयार रखना। ऑलरेडी आपका वचन कहता है हमें समझ दी गई है दृष्टांतों को समझने का, इसलिए प्रभु वो समझ हम सब में आने के लिए मदद करना। यह हमारी विनती है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो वो दृष्टांतों में बात करते थे, और बहुत से लोगों को वो दृष्टांत नहीं समझता था, और आज हम भी यीशु में आए हुए लोग भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमें दृष्टांत नहीं समझता। लेकिन इसीलिए यीशु और नेचुरली उसके जो 12 शिष्य थे उन 12 शिष्यों को भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उन शिष्यों ने पूछा आप दृष्टांतों में क्यों बात करें, उनको लोगों की फिक्र नहीं थी। उनको खुद को दुष्टांत नहीं समझता था, इसीलिए वो प्रभु जी से गए कि प्रभु जी आप उनसे दुष्टांतों में क्यों बात करते हो। यीशु ने कहा तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों का जो समझ है कि जो दुष्टांत में कहता हूँ स्वर्ग के राज्य में कैसा रहना चाहिए, स्वर्ग के राज्य का रूप क्या है, भेद क्या है, ये सब तुम्हें मालूम है। वो दिया गया है तुम्हें, लेकिन उनको नहीं, इन लोगों को नहीं दिया गया है, जिनका कान मोटा है, जो वचन ध्यान से सुनते नहीं, अपने घर में भी पढ़ोगे आदि मतलब जो आज्ञा देते हैं वो सुनते नहीं, ऐसे लोगों को नहीं है। पंद्रह वचन कारण त्यांचे अंतःकरणे, पहिला तेरा पढो आपण, 13 वचन ज्याच्या जवळ आहे त्याला अधिक दिले जाईल आणि त्याला भरपूर होईल, पण ज्याच्या जवळ नाही त्याच्या जवळ त्याच्याकडे जे थोडेसे असेल तेही काढून घेतले जाईल। म्हणून लोकांशी बोलताना मी या दाखल्यांचा उपयोग करतो, म्हणजे लोक ऐकतील आणि पाहतील पण समजत नाही। या लोकांमध्ये देव संकल्प निवेदक यशया याचे भविष्यवाणी पूर्ण झाली ती की कारण त्यांचे अंतःकरणे मंद झाली आहे। हा उनका मन जे आहे मोठा आहे, जो लोक मन के मोठे आहे ज्यांचे अंतःकरण मंद आहे यानी कठोर आहे, म्हणजे कठोर आहे जिनका मन सही नाही आहे, ज्यांचं मन योग्य नाही आहे, तो दृष्टांत नाही समजेगा, त्यांना दृष्टांत समजणार नाही, इतना भी मुलं पडेंगे उनको बायबल नाही समजेगा, आणि किती लोक त्या लोकांनी वाचलं तरी त्यांना बायबल समजणार नाही, कैसे पडते को समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि उनका मन मोटा है, इसका मतलब क्या है, उनका मन मसीह से जुड़ा नहीं है, नम्र नहीं है, ग्रहण नहीं कर रहा, उनका मन अभी भी संसार में जो हो रहा है, आज दसरा है काश मैं भी होता तो मैं भी सोना गया ऐसा करता, नौ दिन में भी खेलने जाता, नौ दिन भी सुना खेलने गेलो, आते हैं मसीह में लेकिन मन बाहर है, संसार में है, जगह का है, जूनी रीति रिवाजों में है, जूनिया सारी रीति पथे आ रही है, उनका मन होता है, यहाँ आने वाला सभी विश्वासी ऐसा विश्वास नहीं करना, वो अंतिम दिन में मालूम पड़ेगा कि सच्चा कौन है।
येशू के 12 शिष्यों में से एक ने धोखा दे दिया आणि येशू चे जे 12 शिष्य आहेत त्याच्यामधून एकाने धोखा दिला येशू को पकडवायला ना येशूला पकडून दिला ना पकडसी चांदी के 30 सिक्कों के लिए फक्त चांदीच्या 30 सिक्क्यांसाठी येशू को पकडवाया आणि येशूला पकडून दिला 11 लोक भागे आणि 11 लोक पळून गेली भागे आणि पळून गेली बाद में जो प्रभु ने उनको वापस पुनर्स्थापित किया लेकिन क्या यहूदा पुनर्स्थापित किया गया मसीह के पास आने वाले सभी यीशु के शिष्य में सही बात है लेकिन शिष्य कौन है जो बनते हैं मसीह के आधीन रहते हैं बाद में लिखा है वो कानों से ऊंचा सुनते हैं जब आपको कुछ वचन बताया गया है लेकिन आप वैसे करते नहीं हो इसका मतलब आप कान से ऊंचा सुनते हो और तीसरा मैं आपके मुंह में ली है मिठाई तो दे रहा है सत्य का मार्ग लेकिन फिर भी आज मसीह में कितने लोग चर्च में आते हैं लेकिन मूर्ति पूजा करते हैं संसारी रीति रिवाज करते हैं परंपरा पालन करते हैं आग बनती है बिल्ली है ना बिल्ली वो भी दूध पीते समय आग उसको लगता है कोई नहीं देखता है लेकिन सभी उसको देखते रहते हैं तो गलती किसकी है गलती की है या सब देखने वालों की है वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ना मुझे कोई नहीं देख रहा है ऐसे ही है जो सत्य जानकर भी आप मन कर कर वैसा पालन नहीं करते वो खुद को धोखा दे रहे क्योंकि परमेश्वर देख रहा है इसी लोग ऐसे लोगों को वचन नहीं समझता उनको दृष्टांतों का जो भेद है वो समझ में नहीं आता और इसीलिए सबसे पहला दृष्टांत प्रभु ने कहा कि बोने वाले बीज के यानी चार भूमि के विषय में और आज चर्च में ऐसे चार टाइप की भूमि के लोग रहते हैं एक रस्ते की भूमि कभी कभी चर्च में आए अच्छा नहीं लगा चले गए वो लोग ने वचन जो सुना था उस 2 घंटे में 3 घंटे में जो यहाँ सूर्य आराधना कर रहे हैं नींद तक वो उनके मन से शैतान ने निकाल लिया तीसरा है पथरीली भूमि पथरीली भूमि कैसी है बहुत से लोग ग्रहण करते हैं लेकिन जब संसार से प्रॉब्लम आते हैं या अभिलाषा होती है जैसे जब कुछ कुछ जवान लोगों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने की इच्छाएं आती है व्यभिचार की इच्छाएं आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं तीसरी है काटीली भूमि जो कांटों के बीच में जो वचन बढ़ गया था ग्रहण तो किया लेकिन संसार की अभिलाषा चिंता टेंशन मेरी लड़की का शादी कैसे होगा क्या होगा जाति के लोग नहीं आएंगे जाने दो यार मुझे को छोड़ देते अच्छी भूमि फैलाती दुख है तकलीफ है संकट है कष्ट है फिर भी तो भूमि है परमेश्वर ने अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर देता है हर संडे को अच्छा वचन मिलता है तो चर्च में अच्छा वचन आता है देते है ना सेविका अच्छी देती है उपवास प्रार्थना में भी अच्छा वचन आता है परमेश्वर अच्छा वचन देकर भी फिर भी आपके अंदर शैतानी या कोई दूसरे मसीह लोगों के अंदर शैतानी हरकत क्यों होती है वो लोग बुरे काम क्यों करते हैं जो वचन सुनते हैं ना ये हमें माँ बाप के आधीन रहना है पति के आधीन रहना है पति रहते हैं क्या तभी लोग आधीन
लोग बलवा करते हैं ना विनय को विनय करता हर संडे को वचन सुनते हर शब्बा दिन आना आई प्रत्येक रविवार वचन आई तक की प्रत्येक रविवार के लिए आई सर हर संडे को हर एक जन आता है क्या पर प्रत्येक रविवार प्रत्येक जन ये तो ना नहीं आता है ना नहीं नहीं घर में प्रार्थना करते घर में भी लोग प्रार्थना करते हैं कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते ना कई लोग घर में प्रार्थना गलत नहीं ये क्यों हो रहा अच्छा बीज बोया ना अरे क्या चल चांगला भी करने चल रहा है जंगली बीज कहाँ से आए तो जंगली बीज कौन आ रहा शैतान का बीज कहाँ से आए शैतान बीज कौन आ रहा ये दुष्ट करता है जब वो बेटी को सोया हुआ लेता है इसलिए चर्च में बुरा काम करने वाले चर्च में सोने वाले झगड़ा करने वाले ऐसे भी क्यों लोग है जंगली बीज दुष्ट हो गया तुरंत परमेश्वर ने उखाड़ने के लिए कहा क्या हो सकता है उसमें से कोई परिवर्तन हो जाए आई जो बोला कि हो सकता है क्योंकि त्याचा मूळ परिवर्तन हो सकता है एंडिंग का तरह है और त्याने शेवट पर तो ठेवले चले आणि देखा राई का बीज आता राई का बीज पेविश पाहिजे हमारे अंदर विश्वास राई के बीज के समान होना चाहिए बढ़ना चाहिए आणि आपले जो विश्वास आहे तो राई के दाने एवढा असला पाहिजे तो वाढला पाहिजे हमारे चर्च को चर्च की प्रति कमी के जैसा चर्च बढ़ना चाहिए ऐसे तीन चार लोग बैठे हैं वही लोग दस साल हो गए तो भी दस ही लोग हैं ऐसा नहीं होना चाहिए चर्च बोला तो बढ़ना चाहिए लाख माई बढ़नी चाहिए आई चर्च के कबीरा सर को वाढ़ना पाहिजे कारण चर्च मध्ये दोन तीन आत्मा असले पाहिजे परंतु ते खूप पटीने वाढले पाहिजे छुपा हुआ खजाना अनमोल मोदी के बारे में हमने देखा आणि लपलेला खजाना अनमोल मोदी विषय आपण पाहिले येशू को पाने के बाद हमें सब कुछ येशू के लिए छोड़कर येशू के पीछे चलना है आणि येशू ने प्राप्त केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे सर्व काही सोडून आपण येशूच्या मागे चालायचं आहे आपण हमने गेल्या हफ्त्यामध्ये देखा था जाल का दृश्य आणि नंतर आपल्याला अजून पाहिलेलं गेल्या आठवड्यामध्ये की जाळीचा दृश्य जो चर्च है जो चर्च में अलग अलग टाइप के मच्छी आ रही है नहीं चर्च है चर्च में वेगवेगळे प्रकारचे मासे आज सब अलग अलग टाइप की मच्छी हो मैं तो जी सर्व वेगवेगळे प्रकारचे मासे आना अच्छी मच्छी सामने मासे रख लेगा देव घर पे उनके निकम भी किसी काम के नहीं सू फेंक देगा आई जी निकम भी आई कौन से काम अच्छे करना फेंक देते इसलिए अच्छी मछली बनो चांगले मासे बना यही हमें कहते हैं लेकर यही ये कानून है नियम है ये अंतिम दिन के बारे में चर्च के बारे में परमेश्वर ने सिखाया है अरे हाँ कानून आने हाँ नियम है शुरू से कहा उसे देव ने शिखो लिया इसलिए हम चर्च में आते हैं बोलकर चेक कर रहे हैं कि मैं अच्छी मछली हूँ ना अरे आप चर्च में तो उन्होंने आपको स्वतः को पार्क में चाहिए कि मैं एक चंगा मासा आने का मैं गंदा तो नहीं बदबू तो नहीं ले रहा हूँ अरे मैं खान वास्तव देख रही है ना ये चेक कर रहे हैं गंदी मछली हम लेते हैं क्या अरे खान मासा तो ले तो कहाँ ताजी मछली लेते हैं ना ताजी मासे फिश एकदम ताजी होनी चाहिए ताजी मासे भाई प्रभु आपकी उपस्थिति में लेते समय अच्छा अनुभव लेना चाहिए उपस्थिति में आने ना तो चांगला भाव घेतला पाहिजे तो आज का हम दृष्टांत देखेंगे अपन आज का दृष्टांत पाहू यार आप सब लोग समझ में आया आपको तुम सर्व नहीं समझ का इतना दिन तक देखा था समझ रहा था ईश्वरी यही प्रश्न पूछा है क्या तुमने ये सब बातें समझे 51 52 51 52 क्या तुमने ये सब बातें समझी शिष्यों ने कहा हाँ उसने उनसे कहा इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है मी सांगितले सर्व दाखले तुम्हाला समजले काय येशू ने विचारले शिष्याने उत्तर दिले होय आम्हाला सर्व काही समजले मग येशू पुढे म्हणाला यहूदी नियमशास्त्राचे जे तज्ञ लोक आज माझे शिष्य झाले आहे त्यांना दुहेरी धन मिळालेले आहे आणि ते धन म्हणजे जुना करार आणि नवा करार हे होय आमेन यहाँ पर प्रिय प्रभु का वचन क्या कहता है सब बातें तुम्हें समझी आणि इथे देवाचं वचन तुम्हाला असं विचारतं की सर्व गोष्टी येशू ने उसके शिष्यों को पूछा समझा आणि येशू ने त्याच्या शिष्याला विचारलं तुम्हाला हे समजलं का हां बोले आणि ते लोक बोलले होय और आपको मालूम है आगे हम देखते हैं कि उनको नहीं समझा आई कोणी आपण तो की तरह माने ते समझ लेले नव्हता वो पडेंगे आपण वाचू यार 15 आते हैं 15 वाते हैं मैथ्यू 15 मत्ते आगे 15 और उसका 15 आणि त्याचा 15 मैथ्यू मत्ते 15 अध्याय 15 मत्ती येते 15 उसका 15 मत्ते अध्याय 15 त्याचा 15 पेटर म्हणाला आम्हाला या दाखल्याची फोड करून सांगा हां क्या बोला
हमने 51 अध्याय में 51 वचन में पढ़ा, 13 का 51 में पढ़ा कि यीशु उनको पूछता है तुम्हें सारे दृष्टांत समझ में आए ना, दृष्टांत समझ रहा है ना, तो उन्होंने बोला हाँ। आणि 13 चे 51 मध्ये आपण विचारलं की यीशु त्यांना विचारते तुम्हाला सर्व दृष्टांत जे आहेत ते समजलेले आहेत का, तर शिष्य त्याला काय उत्तर देतात हा आम्हाला ते समजले, लेकिन आगे और एक दृष्टांत बताया, पण अजून त्यांना आणखी एक दृष्टांत सांगितलेला आहे, काय बताया, एक काय सांगितलं, जो कुछ मनुष्य से मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो कुछ मनुष्य मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। आणि मनुष्य जे तोंडाद्वारे जे काही करतात ते त्याला अशुद्ध करत नाही, परंतु लेकिन ये बात उनको समझा नहीं, पर एक गोष्ट त्यांना समजली, एक छोटा सा दृष्टांत बताया, आणि एक छोटा सा दृष्टांत त्यांना सांगितला, वो भी क्यों बताया, तो ही का सांगितला, क्योंकि जो फरीसी लोग थे वो शास्त्रीय फरीसी लोग कहने लगे कि तेरे शिष्य बिना हाथ धोए हुए रोटी खाते हैं, मतलब वो परंपराओं को पालन नहीं करते, शास्त्रीय आणि फरीसी लोग जे होते ते येशूला म्हणू लागले की तुझे जे शिष्य आहेत ते बिना हाथ धुण्याने जेवण करतात, यानी की जुना परंपरा काय करतात पालन करतात, परंपराओं को मी नहीं पालन करना, आणि परंपरा परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है जुना करार हम पालन करें, लेकिन जो हमारे पूर्वजों से चलकर आई हुई परंपरा हम पालन नहीं करें, आई देवा जी इच्छा है कि हम जुना करार जो है तो पालन करें, परंतु अपने पूर्वजों पास जो परंपरा चलत आ रही है क्या हम पालन करें, जो संसार की परंपरा है जो हम पर बोझ है वो हम पालन नहीं कर रहे, जगह की परंपरा है जो आपके अभी ओझ है क्या हम पालन करो नहीं, इसलिए यीशु उनसे कहता है तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है, यीशु कहना मानते हो तुम्हें ओठांद्वारे तो माझा आदर करता पर लेकिन मानते किसका है, पर मानते तुम्हें कौन सा, संसार में जो इंसानों के द्वारा सिखाया गया उनका सुनते हो उनका करते हो, जगह मध्य जो मनुष्य द्वारा तुम्हारा शिकवण्याला आहे तुम्ही त्यांचा ऐकता त्यांचा पालन करता, ओठों से क्या बोलते प्रभु क्या सिखाया आपने, ओठांद्वारे तुम्ही काय बोलता प्रभु जी तुम्ही काय शिकवलं, लेकिन करते किसका है, करतो कोणाचा, संसार में जो इंसानों ने सिखाया वो करते हैं, जगह मध्य जो मनुष्य ने शिकवलेले आहे त्याचं तुम्ही पालन करता, इसीलिए प्रभु उनके लिए अधिकार कहता है, प्रभु ने कहा कि तुम परंपराओं को पालन करने से भी बेटर है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यीशु ने त्यांना सांगितलं की तुम्ही परंपरा का पालन करण्यापेक्षा सुद्धा चांगलं आहे की जे देवाची परंपरा आहे त्यांना तुम्ही पालन करा, उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा तो अपने पिता और माता का आदर कर, यीशु ने त्यांना म्हटलं की देवाने सांगितलेले आहे की तू आपल्या आई वडिलांचा आदर कर, जो कोई पिता को और माता को बुरा कहे, जो कोई त्याच्या आई वडिलांना वाईट म्हणतो, 14 वचन, उसे निश्चय मार डालना, आणि चौथं वचन त्यांना निश्चय मारण्यात यावं, त्याने काय उसे मार डालना आणि त्याला मारण्यात यावं, लेकिन तुम क्या कहते हो, परंतु तुम्ही काय म्हणता, तुम्ही कशी परंपरा बनाई आहे, तुम्ही कोणत्या रीतीची परंपरा बनवलेली आहे, जो कुछ तुम्हें माँ बाप से लाभ मिलने वाला था आणि जे काही तुम्हाला आई वडिलांद्वारे तुम्हाला लाभ भेटणार होता, त्याला मैंने परमेश्वर को दे दिया, आणि मला की तुम्ही देवाला दिलेला आहे, त्या भी मुझे जबरदस्ती मेरे से कुछ नहीं मांगना, म्हणून जोर जबरदस्ती की तुम्ही माझ्याकडे काही मागू नका, लोगों ने परंपरा के नाम पर वचन को जो परमेश्वर का जुने करार में आज्ञा दी थी उसे फेर बदल कर डाले, कंप्लीटली चेंज कर डाले, आणि परंपरेच्या नावाखाली त्या लोकांनी काय केलं, जुने करारामध्ये देवाने जी काही आज्ञा दिलेली होती त्या लोकांनी फेर बदल केला, अनुभव तो नहीं करना, आणि ते आपल्याला करायचं नाही, हमें जो दिया है इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना, आणि आपल्याला जे देण्यात आले आहे त्याच्यामधून आपल्याला काही बदलायचं नाही, जसे संसार में कहा जाता है, आणि जगामध्ये म्हणण्यात येतं सर कुछ माँ बाप ही है, आणि सर्व काही आई वडिलच आहे, इसलिए माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है, म्हणून आई वडिलांच्या पायाखाली जन्नत आहे, इसलिए पहिला माँ बाप, म्हणून पहिले आई वडील, बाद परमेश्वर, आणि त्याच्यानंतर देव, नाही आणि नाही, पहिला परमेश्वर, पहिला देव, बाद में माँ बाप, आणि त्याच्यानंतर आई वडील, पहिली आज्ञा क्या दी, पहिली आज्ञा दी वाली काय, मुझे छोड़ किसी अन्य देवता को न मानना, आणि तुम्हाला सांगू कोणते अन्य देवता ना मूर्ती पूजा न करना, मूर्ती पूजा करू नको, मेरा नाम व्यर्थ न लेना, तो माझा नाम व्यर्थ घेऊ नको, सबा दिन मेरा जो विश्राम दिन है पालन करना, आणि तू माझा जो विश्राम दिवस आहे तो पालन कर, तो प्रभु मनुष्य के जीवन में परमेश्वर होना चाहिए, आणि मनुष्याच्या जीवनामध्ये ना प्रभु कोण असला पाहिजे, देव असला पाहिजे, जो परमेश्वर है वो परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को ही देना, आणि जो देवाचं स्थान आहे तो देवाला कुठे द्या, उसके बाद कहा पिता को माता को आदर दे, त्याच्यानंतर सांगितलं की आई वडिलांना आदर द्या, आणि दुसरा माता पिता, म्हणजे दुसरे आई वडील आले, आपको समझ में आया, तुम्हाला समज, वचन में कभी कभी कोई कोई लोग ऐसे टैकलिंग करके यानी घुमा घुमा कर हमारे मन को गिरा सकते,
आई वचनामध्ये असून गेलं मग फेरबदल करून आपल्या मनांना फिरू शकतात. तो वैसा क्यों नाही, हमारा वचन क्या कहता है उसी के अनुसार हम चलना है. आणि आपलं वचन आपल्याला काय शिकवतं त्याच्यानुसारच आपल्याला चालायचं आहे. इसलिए परमेश्वर मसीह ने कहा कि जो कुछ मनुष्य मुंह से निकालता है. म्हणून येशूने सांगितलं की जे काही मनुष्य तोंडाद्वारे काढतो वो मनुष्य को अशुद्ध करता है. ते मनुष्याला अशुद्ध करतो. मुंह से क्या निकलता है आणि तोंडाद्वारे काय निघतं. बुरे बुरे विचार, वाईट वाईट विचार, चिड्या, निंदा, निंदा, बुराई, जो मुंह से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है. जो तोंडाद्वारे निकलता है मनुष्य को अशुद्ध करता है. लेकिन जो मुंह से खाते हैं जो तोंडाद्वारे खाया देता है पेट में जाता है. पोटा मन जाता. लेकिन देखो सुबह का खाना दोपहर तक कितना भी आप शाम तक पकड़ के रखो बैठे ना. आई सकाळचं खाणं तुम्ही संध्याकाळपर्यंत पकडून ठेवते खाणं अच्छा था. आई सकाळचं जेवण खूप चांगलं होतं. मस्का खायला आणि मस्का खायला की मस्का ब्रेड कैसे निकालू मस्का कितना महंगा 200 रुपये पैतरा साहेब. मस्का आणि ब्रेड खूप महाग आहे. मी कसं काय काढ नाही जोड काही घ्या अंदर मस्के आणि मस्क्याला आम्ही पोटामध्येच ठेवणार. नाही मी निकल नाही येतो ऐसा होगा. आणि मी काढूनच टाकणार नाही असं होईल का. किती अच्छी वस्तू खाऊ तुम्ही बदलून निकालते. आणि किती चांगली वस्तू खाली खाली वास येतो है ना. अच्छी वस्तु खाई लेती आणि चांगली वस्तु खाली गेली. लेकिन पेट में जितनी आप रखोगे उतनी बदबू छोड़ी. आणि पोटा मध्ये तुम्ही जेवढी ठेवाल तेवढी दुर्गंध सोडेल. जो बाहर निकालना ही पड़ता है. म्हणून त्याला बाहेर काढावं लागतं. जो मुंह से जाता है म्हणजे तोंडाद्वारे जातं पेट में जाता है पोटा मध्ये जातं मनुष्य अशुद्ध नहीं करता. ते मनुष्य अशुद्ध करत नाही. आप सब कुछ खा सकते म्हणून तुम्ही सर्व काही खाऊ शकता. लेकिन पण जुना करार में जिन वस्तुओं को जिन प्राणियों को खाने के लिए मना किया है उसे नहीं खाना. पण जुना करारामध्ये ज्या वस्तूंना ज्या प्राण्यांना खायला मना केलेली आहे ते तुम्ही खाऊ नका. वगैरे डुक्कर खा सकते आणि तुम्ही लोक बोला डुकराला पण खाऊ शकतो. जबकि जुना करार हमें बताता है हम सुअर नहीं खा सकते. आणि जुना करार आपल्याला सांगतो की आपण डुकर खाऊ शकतो. ऊंट नाही खा सकते. ऊंट आपण ऊंट खाऊ शकत नाही. जो बहुत सारे ऐसे प्राणी बताए गए हैं जो हमें प्राणी हमें नहीं खा सकते. आणि खूप सारे ऐसे प्राणी सामने आलेले आहे की जे आपण खाऊ शकत. आपण तुम्ही जुना करार आहे जुना करा जाती भाई तो हमें बता दिए. अभी हम वापस 13वे अध्याय में जाएंगे. 13:52 में लिखा है वो चेला जो स्वर्ग के राज्य में बना है वो शास्त्री के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है. जब शिष्य स्वर्ग के राज्य में बनलेला आहे तो काय आहे शास्त्री प्रमाणे आहे तो काय करतो अपने भंडारातून दोन्ही पण धन काढतो. हां वो कैसा जुना करार और नया करार. जुना करार आणि नवीन करार परमेश्वर ने जुना करार दिया है लोप करने के लिए मिटाने के लिए नहीं दिया है. देवाने जुना करार दिलेला आहे तो लोप करण्यासाठी नहीं मिटवण्यासाठी नहीं. हम अभी अंतिम दिन में जी रहे हैं और अंतिम दिन के लोगों के लिए चेतावनी बोलकर दिया गया है. आणि आपण शेवटच्या काळामध्ये जगत आहोत म्हणून शेवटच्या काळातील लोकांना ती चेतावणी म्हणून देण्यात आली. येशू जुना करार मिटाने नहीं आया. आणि येशू जुना करार मिटवण्यासाठी आलेले नाही. 5 अध्याय आपण काढूया. 5वा अध्याय मत्ती 5 मत्ती अध्याय 5 परमेश्वर कहता है मैं क्यों आया हूँ. मेरे आने का उद्देश्य में कोई गैर संबंध यानी गैर अर्थ गैर मीनिंग नहीं निकालना. तो वो कौन सा है यहाँ बताया है. मी मोशेचे नियम शास्त्र व देव संकल्प निवेदकांची भविष्य रद्द करण्यासाठी नाही. हाँ मैं जुना करार में जो दिया गया है उसे कैंसिल करने नहीं आया हूँ उसे मिटाने नहीं आया हूँ. आप लोगों में बहुत प्रभु के दास लोग और जिन्हें ज्ञान नहीं है वचन का ज्ञान नहीं है वो लोग ऐसा सिखाते हैं कि अभी जुना करार की हमको जरूरत नहीं हम नए करार के मसीह है हमें नया करार पर ज्यादा ध्यान देना है. मुझे बहुत अच्छा लगा. आणि हे खरंच मला खूप आवडलं. नियुक्ती जरूर नाही आणि पायाची गरज नाही असं चलेगा. आणि असं चालेल का. नियुक्त पर है ये घर आणि पायावरती टिकलेलं आहे हे घर. वैसे ही जुना करार पर है आधारित नया करार. आणि जुना करारावरती आधारित आहे नवीन करार. जुना करार चाहिए म्हणून जुना करार हवा आहे. हम मसीहों को जुना करार पढ़ना ही है. आणि आपल्या ख्रिस्ती लोकांना जुना करार वाचायचाच आहे. जुना करार पर प्रभु ने जोर दिया आहे. आणि जुना करारावरती देवाने जोर दिलेला आहे. उसके बिना तो हम आगे नया करार समझ नहीं पाएंगे. नवीन करार समझू शकत. इसीलिए प्रभु यीशु कैंसिल करने नहीं आए. म्हणून येशू ख्रिस्त रद्द करण्यासाठी नाही आला. परंतु तर पूर्ण करण्यासाठी आलो आहे. मैं क्यों आया आणि मी का आलेलो आहे. जुने करार में जो मेरे विषय में लिखी हुई बात
पूरा करू आणि जुन्या करारामध्ये जी माझ्याविषयी लिहिलेल्या गोष्टी आहेत ते मी पूर्ण करावे. जिस वस्तु को अशुद्ध बोला है उस वस्तु को लोग गहराई से परमेश्वर ने जो कहा समझ नहीं पाए मैं उसे कह रहा हूँ कि अपने अनमोल वस्तु कुत्तों के सामने नहीं डालना, मोदियों को सुअर के सामने नहीं फेंकना. इसलिए परमेश्वर ने कुत्ता सुअर अशुद्ध बोला है. जे अशुद्ध सांगितले आहे म्हणून तेव्हा ईश्वरी काय आपल्याला स्पष्टीकरण दिलं की जे तुमचे अनमोल जे मोती आहे तुम्ही ते कुत्र्यांसमोर आणि डुकरांसमोर टाकू नका कारण ते अनमोल आहेत आणि ते प्राणी अशुद्ध आहे. जो पर यीशु मसीह जिसे अशुद्ध कहते हैं वो प्राणियों को खाने के लिए कैसे बोल सकता है. आणि ज्या ज्या प्राण्यांना यीशु ख्रिस्त काय बोलतो अशुद्ध बोलतो त्या प्राण्यांना यीशु ख्रिस्त कसं बोलू शकतो तुम्ही ते खाऊ शकता. सही मध्य देश साथ में ऐसे यीशु कहते हैं ना कुत्तों के सामने अपनी पवित्र वस्तु मत डालो. आणि भक्त आदि साथ मध्ये यीशु जे सांगले म्हणतो की तुमची जी पवित्र वस्तु आहे ती कुत्र्यांसमोर आणि डुकरांसमोर तुम्ही टाकू नका. इसीलिए थोड़े समय पहले आपने बोला ना ज्ञान नहीं है बोल कोने लोगों को ज्ञान नहीं बोल थोड़े पहले आधी तुमने जो बोला था क्रिस्ती लोगों का ज्ञान नहीं है ना. अभी हम बड़े हैं आणि आता आपण मोठे आहोत. हमारे पेट से निकलने वाला मल आणि आपले पोटाद्वारे निघणारा मल हम कभी भी गोबर के जैसा फैलाते हैं. आणि कधी आपण शेला प्रमाणे आपण ते पसरवत नाही फैलाते नाही नाही पसरवतो का क्योंकि हमको ज्ञान है वो मल है उसे संदास में से ही जाना. आणि आपल्याला ज्ञान आहे की ती मल आहे ते संदासाद्वारे जायचं आहे. लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं तो जे लहान मुलं असतात वो क्या करते ते लोक काय करतात वो उस मल से जो पेट से निकला हुआ मल से फैला देते. आणि पोटाद्वारे जे निघालेला मल असतं ते लोक पसरून टाकतात उचलते त्याचा हात पण आपल्याला बायबल
जास्त वाचन करते जा 52 वचन के अनुसार म्हणून 52 वचनानुसार बस 13 मग येशू पुढे म्हणाला येशू कहत आहे यहूदी नियमशास्त्राचे जे तज्ञ लोक आत्माने शिष्य झालेले आहेत त्यांना दुहेरी ग्रह मिळालेले आहे जो भी व्यक्ती स्वर्ग के राज्य का चेला बना है आज आप सब लोग जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वो चेला का काम क्या रहता है शिष्य का काम क्या रहता है यीशु का सुनना यीशु का इतना और यीशु को यीशु ने उनको कौन सा एक बड़ा अधिकार दिया है स्वर्ग और राज्य स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और यीशु ने क्या किया है शिष्य ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ जा सर्व जगह उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे सिखाओ तेरा शिकवा मेरी आज्ञा मानना सिखाओ माझा आज्ञा का पालन करना चेला बनाओ आणि माझा त्यांना शिष्य बनवा चेला का काम ये है आणि शिष्याचं काम एक बार आप लोग स्वर्ग के राज्य में आ गए यीशु के शिष्य बन गए तो आपका ड्यूटी है आपका सबसे बड़ा काम ये है कि लोगों को सुसमाचार देना आणि स्वर्गाच्या राज्यामध्ये आल्यानंतर तुम्ही यीशूचे शिष्य झाल्यानंतर तुमचं सर्वात मोठी जबाबदारी आहे की तुम्ही लोकांना यीशूची आप जैसे चेले बने वैसे उनको चेले बनवा आई तुम्ही जसे शिष्य बनलेले आहे तसे लोकांना सुद्धा शिष्य बनवा दुसरे को सिखाना एक ठिकाणे शिकवणे म्हणजे मेरी ड्यूटी नहीं है सिखाना हे फक्त माझी जबाबदारी नाही आपकी भी जबाबदारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप एक दूसरे को सिखाए आई तुमची सुद्धा जबाबदारी आहे की तुम्ही एकमेकांना शिकवा एक दूसरे को चिताए आणि एकमेकांना चिताए आपके घर में अगर कोई गलत काम करता है तो उसे समझाए आणि तुमच्या घरामध्ये जर कोणी चुकीचं काम करते तर त्याला शिकवा जबरदस्ती तो हम किसी पर नहीं कर सकते आणि जबरदस्ती आपण कोणावर नाही करू शकत अगर जागृती गलत काम कर रही है आणि जर जागृती चुकीचं काम करते तो मी उसे समझा सकती तो मी तिला समजावू शकते तो बोल सकते आणि तिला बोलू शकते जबरदस्ती नहीं करा सकते आणि जबरदस्ती करून घेऊ शकते मी नाही बोलू शकते आणि ती फक्त एवढंच म्हणू शकते बघ काय बाइबल में लिखा है वचन मध्ये असं लिहिलेलं आहे हे करायचं नाही और एक दीदी बाइबल में लिखा है कि ऐसा नहीं करने तू मत कर इतना हम वचन बताने का काम करते हैं एवं आपको वचन सामने से काम करायचं वो सुनने के बाद उसका मन चेंज होना नहीं करना ये उसकी जिम्मेदारी वचन ऐकल्यानंतर तिने तिचं मन परिवर्तन करणं न करणं ही तिची जबाबदारी आहे जैसे उदाहरण आणि उदाहरण आता फॅमिली प्रेयर चालू आहे जागृती फॅमिली प्रेयर में नहीं बैठी आणि कुटुंबी प्रार्थना चालू आहे आणि कुटुंब प्रार्थना मध्ये जागृती बसलेली नाही ऑनलाइन क्लास आहे आणि तिचे ऑनलाइन लेक्चर चालू आहे मयुरी बोलती आहे आणि मयुरी तिला बोलते संसारिक शिक्षण से भी सबसे बड़ा शिक्षण है प्रभु का शिक्षण आणि जैविक शिक्षण प्रभु के चरणों में बैठना है देवा के चरणों आपकी बस दीदी वैसे आगे उधर जाके ऑनलाइन मत बैठ प्रार्थना में बैठ फैमिली प्रेयर करेगी तो आत्मा बचेगा आई मॉम दीदी तो ऑनलाइन लेक्चर आकर कर लोगों पर तो फोटो ही प्रार्थना में बस जब तो फोटो ही प्रार्थना में बस ली तो तुझा आत्मा का बचाव हुई तो ये सुनने के बाद उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है परमेश्वर का वचन सुनने के बाद परिवर्तन आता है आई मैं आई कर तो तुझे मैं परिवर्तन हो सकता कारण देवा से वचन आई कर तो परिवर्तन ये तो ना देखिए जरा क्लास आ रहा है ना हम लोग हमारी फैमिली प्रेयर लगे और एक दिन का क्लास लगा लेकिन मेरी फैमिली प्रेयर नहीं जाना अभी चुना उसका आई निवड़ ही नीचे आ वो जैसा चुनेगी कि जैसे निवड़ करे वैसे उसकी जिंदगी में मोड़ आएगी आई जैसे तीजे जीवन वाली परिस्थिति वैसे वो बनते जाए आई जैसे की बनत जाए अगर उसने नहीं सुना आई जब मैंने क्या आई ना नहीं वो हड्डी जिद्दी बनेगी वो आत्मा जो दुष्ट आत्मा उसे कठोर करेगी तो ये हड्डी आई जिद्दी बनली जाए आई की तीजे मेरे जो आत्मा है दुष्ट आत्मा तो तेरा कठोर करे हमारे काम में हमें बताना आई आपका काम आप सबका ड्यूटी हुई है मैं तुमसे सर्वम से कर्तव्य कह सकती साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि आप चेला जब बनते हो तो चेले का काम है जूना करार और नया करार दोनों भी पढ़ना और दोनों बताना आई तो सामने ताले रख की जब तुम शिष्य बनता तो शिक्षण का काम आने कि जूना करार और नया करार के दोनों पर बात करें इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ोगे तो वहाँ ट्रेजर लिखा है आई इंग्लिश बाइबल पर जब तुम इतने बात करते तो ट्रेजर लिखे जा रहे हैं बाइबल ये खजाना है आई बाइबल में एक खजाना आहे जुना खजाना नया खजाना ये दोनों निकाल आहे आणि जुना खजाना आणि नवीन खजाना हे आपल्याला दोन्ही पण काढायचे आहे आणि त्याला वाटायचं आहे उसको बांटना है आणि त्याला वाटायचं आहे जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा आणि जेव्हा आपण वाटतो तेव्हा वाढेल तो चर्च में आने वाला हर एक ऐसा गृहस्थ बनना है ऐसा इंसान बनना है जिसने बाइबल पढ़ना है और दूसरों को बताना है आणि चर्च पर येणारे एक आपला गृहस्थ बनायचा आणि त्यांनी बाइबल वाचायचा आहे इसलिए हर संडे को बोला जाता है बाइबल पढ़ो इतना जरूरी देखो यानी जब हम प्रभु के सामने जाएंगे तब इस दृष्टांत के बारे में पूछकर परमेश्वर पूछेगा बाइबल पढ़ा
क्यों 20 तारीख को तुमने बाइबल नहीं पढ़ा? आई म्हणून आपल्याला प्रत्येक रविवार सांगितलं की बाइबल वाचणं दृष्टाचा त्वरित देव आपल्याला विचारेल की तू बाइबल वाचलंस ना. जर तू बाइबल वाचले नसेल तुम्ही लोकांनी तर देव तुम्हाला ती तारीख सांगून तुम्हाला विचारेल की या तारखेला तू बाइबल का नाही वाचलं. स्वर्ग पुस्तके आहे, स्वर्गामध्ये पुस्तक आहे. पुस्तके साथ बहुत सारी अन्य पुस्तके आहे, यानी आपके नाम का भी पुस्तक आणि जीवनाचं पुस्तक प्रमाणे अन्य पुस्तक आहेत, म्हणजे तुमच्या नावाचे सुद्धा पुस्तक. आपके नाम का पुस्तक खोला जाएगा और आपने प्रतिदिन एक एक दिन में क्या क्या किया है. आज प्रार्थना ने बाइबल पढ़ा, आज प्रार्थना ने वचन पढ़ा, ये तारीख को वचन पढ़ा, ये सब लिखा जाता है, नमूद किया जाता है. आणि तुमचं जे पुस्तक आहे ते पुस्तक उघडण्यात येईल आणि त्याच्यामध्ये पाने देखील प्रार्थनेने बायबल वाचताय का? नमूद किया जाएगा. आणि ते नमूद करून पुढे मला न्याय का समय आएगा, हमको उसके अनुसार ही प्रतिफल मिलने वाला है. आणि जेव्हा न्यायाची वेळ येईल तेव्हा आपल्याला त्याच्याद्वारे प्रतिफळ भेटणार आहे. परमेश्वर बोलेगा की प्रार्थना के लिए क्या हमको रखा है, वो जो वैसे चाल चलन के उसके धर्म के काम के अनुसार उसको मुकुट मिलेगा. आणि प्रार्थनेने कोणता मुकुट ठेवण्यात आहे हे देव पाळीतील जी चाल चलन केलेले आहे, ते जी धार्मिक रीतीचे काम केलेले आहे त्याच्याद्वारे तिला मुकुट प्राप्त होईल. तो इसलिए बहुत जरूरी है आणि फार गरजेचं आहे. मग खूप सिरियसली आहे, मसीह लोक सिरियसली नाही येते बायबल पढणं. आणि आपण किती लोक सिरियसली घेत नाही बायबल वाचतो. जबकि यहाँ दृष्टांत में बताया गया है कि हमें बाइबल पढ़ना है. आई दृष्टांत द्वारे देव आपल्याला सांगतो की आपल्याला बाइबल वाचायचं आहे. अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हम कैसे दूसरों को सिखा पाएंगे? जर आपण बाइबल वाचत नाही तर आपण इतर लोकांना कसे शिकवणार? जितना आप बाइबल पढ़ते हो, जितना बोलते हो, उतने आपका पावर अथॉरिटी देता है. आणि जेवढं तुम्ही बाइबल वाचता जेवढं तुम्ही शिकवता तेवढं तुमच्या मुखामध्ये सामर्थ्य असतं. और आग निकलती है. आणि आग निकलती सामने वाले के जीवन में कार्य करती है. आणि समोरच्या जीवनामध्ये बाइबल के विषय में आज परमेश्वर हमें यही सिखाता है. ये एक ऐसा खजाना है आपके जीवन में, जूना करार नया करार, यानी ये बाइबल. इसे पढ़ो, ज्यादा पढ़ो और दूसरों को सिखाओ. आणि जुना करार आणि नवीन करार तुमच्या जीवनामध्ये दिलेला आहे, एक खजाना आहे की तुम्ही रोज नित्य वाचा. बायबल बताते सब शिक्षक न बनू. आणि बायबल सांगते की सर्व शिक्षक बनू नका. है ना? उनसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा ना. आई त्यांचा म्हणून जास्त हिशोब घेणे. अगर हमने अभी मैं शिक्षक हूँ, मैं सिखाया नहीं. आई मी शिक्षक आहे, मी जर शिकवले नाही तो आप लोग करोगे क्या? तो तुम्ही लोग ते कराल का? नहीं करोगे ना. अगर मैंने अभी जैसे सोचो मैंने नहीं सिखाया कि अब मैं बोलूंगी मैं ऐसा सिखाया, आप सब कुछ खा सकते हैं. आणि जर मी तुम्हाला असं शिकवलं की तुम्ही सर्व काही खाऊ शकता. येशूने सब भोजन को शुद्ध बोला. आणि येशूने सर्व अन्नाला शुद्ध केलेलं आहे. चलो मी कॉकरोच खाते, आणि कॉकरोच खाऊ. आणि मी आता कॉकरोच आणते, तुम्ही तो कॉकरोच खा. तुम्ही खाऊ. आणि पार खा. अभी आपके सामने एक मुंगळा आहे. आणि तुमच्या समोर एक मुंगळा आहे. मुंगळे की भुजी बना देती हूँ. आणि मुंगळ्याची भुजी बनवते. हो दे. वो झाड पे बहुत सारे मुंगळे आहेत. आणि त्या झाडावरती खूप सारे मुंगळे आहेत. चलो उसी भुजी बना दे. त्याची मी भुजी बनवते. मुंगळे की अंडे की भुजी बनाई गई. आणि मुंगळ्याच्या अंड्याची भुजी बनवून झाली. आणि आणि आसाम आणि इथे आसाम मध्ये. अच्छा हो गए, मैं वहां गई थी. आणि चांगलं आहे की मी तिथे नव्हती. मैं तो नहीं खाली. आणि मी तर खातच नाही. हे बिचारे प्रभू के दास ने खाया. पण जर बिचारे देवाच्या दासाने ते खाल्लं. सिमोने जीतने के लिए. फक्त त्यांना जिंकण्यासाठी. क्योंकि उन्होंने ऐसा शर्त रखा था कि अगर आप सचमुच हमसे, आपका यीशु हमसे सचमुच प्यार करता है, हम आपके सामने जो रखेंगे खा लो. आणि त्यांनी एक शर्त केली, जर बरोबर तुमचा यीशु आम्हाला प्रेम करतो तर आम्ही तुमच्यासोबत जे काही ठेवतो ते तुम्ही खाल. कोण खायला मुंगळे की अंडे की भुर्जी? आणि कोण खाईल मुंगळ्याच्या अंड्याची भुर्जी? बिचारे उपासून खाय. बिचारे त्या पासारांनी खाल्लं. आणि त्यांची बायको म्हणली की नको, पण त्यांनी काय सांगतो तू हे खा. आणि ती म्हटली मला उलटी अभी उलटी म्हणताना आगे गती करते. आणि त्यांनी सांगितलं की आता उलटी करू नको, परंतु पुढे गेली होती उलटी कडे खा ना, परंतु तू हे खा. आणि विचारेल प्रभु की सेवा के लिए सेवक लोग सैक्रिफाइस करते हैं. सेवक लोग
बलिदान करतात ही सेवा आहे आणि ही त्यांची सेवा आहे. अरे जैसे अभी मैं बोलूंगी कॉकरोच सचमुच टेस्टी फूड है. मैं जब भी तुम्हारा साइज है कि कॉकरोच जो है तो टेस्टी अन्न है, बहुत अच्छा खाना है. अरे उनके जो है तो खूब चांगला अन्न है. खाओ नहीं तो मिट्टी खा नहीं खा सकते. अरे काय खाऊ शकत नाही आणि अशुद्ध प्राणी आहे. कारण तो अशुद्ध प्राणी आहे असे नाही खा सकते आणि आपण त्याला खाऊ शकत नाही. ये जब अगर मैंने ये सिखाया नहीं, मैं ऐसे सिखा रही हूँ सब खाओ सब शुद्ध है तो आप वही करोगे ना. आणि जब तुम्हाला शिकवलंच नाही की आम्ही तुम्हाला असे शिकवते की सर्व काही शुद्ध आहे तुम्ही ते खाता तुम्ही लोक काय संबोधन कर रहा है तुम्हा तिल पुष्कळ आहे शिक्षक होऊ नये. कारण तुम्हास माहित आहे की जे आपण शिक्षण देतो ते आपला न्याय अधिक कडकपणे होईल. हमने सिखाया अभी मैंने सबको सिखाया सब खाओ तो मेरा न्याय जरा कड़क से हो जाएगा. आई भी तुम्हारा शिकोल है कि सर्व कहीं तुम्हें खाओ सकता तो मासा जो न्याय न्याय है तो कड़क बदल ही हुई. दो आई दूसरा वचन अपन सर्व जन पुष्कर प्रकार अर्पण तो व चुप तो है ना. मैंने गलत सिखाया ना आपको आई सब खाओ सकोगे प्रार्थना करके सब कुछ शुद्ध हो जाता है. आई प्रार्थना करो सर्व का शुद्ध होता प्रार्थना से और वचन से सब शुद्ध है. प्रार्थना द्वारा आणि वचन द्वारा सर्व काही शुद्ध आहे. कोई प्रसाद दिया म्हणून कोणी प्रसाद दिला ले लो या प्रार्थना करके शुद्ध करून खाओ. प्रार्थना करून शुद्ध करा आणि खाऊन टाका. गलत आहे आणि हे चुकीचं आहे. प्रसाद को प्रार्थना करके और वचन से सरलतर शुद्ध करके नहीं खा सकते. आणि आपण प्रसाद घेऊन त्याच्यावरती प्रार्थना करून त्याच्यावरती वचन घेऊन ते आपण शुद्ध करून खाऊ शकत. जब बाइबल में लिखा है कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ नैवेद्य हिंदी मराठी में लिखे नैवेद्य और मूर्ति के हिंदी में लिखा है मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई वस्तु अशुद्ध है नहीं खाना है अपवित्र है नहीं खाना है. आणि लेखनी मध्ये लिहिलेले आहे की जे मूर्ती समोर चढवलेले जे नैवेद्य आहे ते अपवित्र आहे तुम्ही ते खाऊ नका. अगर मैं ऐसा सिखा के मैं चुके अभी मुझे ऐसा लगा कि अरे बाबा एक आत्मा जीतने के लिए मुझे ऐसा करना है नहीं तो मला असं वाटतं एक आत्म्याला जिंकण्यासाठी तर मला असं करायचं आहे. क्यों ना मैं खा लू नहीं नहीं वो आत्मा प्रभु का है प्रभु लाएगा हम उनको ऐसा गलत वचन के अनुसार गलत नहीं करना है. आणि तो आत्मा देवच आहे जे त्यांना घेऊन येईपर्यंत आपण चुकीचं वचनाद्वारे आपण असं करू नये. हम प्रसाद नहीं खाना आणि आपण प्रसाद खायचा जो बाइबल में लिखा है जानवर वो नहीं खाना है. आणि जे बाइबल मध्ये औषध प्राणी दिलेले आहेत ते आपण खाऊ नये. हाँ इसका ख्याल करना है आणि आपण काळजी घ्यायची आहे. परमेश्वर हमसे ये कहता है क्योंकि हम बहुत इंसान है कभी कभी हम चूक जाते हैं. आणि आपण मनुष्य आहोत म्हणून खूप सारे चुका आपल्याकडून होतात. इसलिए आप सबके पास बाइबल होना चाहिए म्हणून तुम्हाला सर्वपणे बाइबल असलं पाहिजे. दीदी सिखारी बराबर है क्या आणि दीदी जे शिकवतात ते योग्य आहे का. मेरे सामने ये विश्वासी भाई मुझे सिखा रहा है बराबर है क्या. आणि माझ्या समोर हा विश्वासी भाऊ मला हे शिकवत हे योग्य आहे का. पूर्ण का आणि याच्यामध्ये तुम्ही सांगा बाइबल के वर्सेस क्यों देते हैं. आणि बाइबल चे आम्ही तुम्हाला अध्याय का देतो. इसलिए देते हैं कि मैं जो सिखा रही हूं वो सचमुच वचन में ही है. आणि मी जे काही शिकवते ते सर्व काही वचनामध्येच आहे. इसीलिए हम आपको वचन देते हैं म्हणून आम्ही तुम्हाला वचन देते. आज मैंने ज्यादा वचन नहीं दिए पण तरी सुद्धा आपण तुम्हाला जास्त ये निकालो आप ढूंढ ढूंढ कर कभी कभी दीदी देता था. मतलब मुझे कम्प्लेंट आया था दीदी आप लोग कितना वचन देती है एक तो ही देने का तुम चाहते हैं को देती है. आई वाला कम्प्लेंट आ रही होती कि दीदी तुम्हें कितने सारे वचन देते हो जो शिकवाई सारे जैसा तो वचन दे. हाँ हमको ढूंढने को तकलीफ होता है. हमारा शोहर है बहुत सारा त्रास होता है मेरा सुनने का काम करने का फिर. आई भी पढ़ता है कैसे काम कर ऐसे हैं जैसे वचन ढूंढना अच्छा लगता है वो ढूंढेंगे. हैं जब वचन शोहर आवाज़ दे वो सुनते आप इतना घर में जाके ढूंढना आई तो भी तो यूं क्या करिए जो कोई वचन में नहीं छुटता तो सिद्ध मनुष्य सारी देह पर लगाम लगाए रहता है. आणि वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की जो काही वचनामध्ये चुकत नाही तो काय आहे सिद्ध मनुष्य आहे आणि तो त्याच्या जीवेवरती लगाम लावलेला आहे. श्री प्रियो हमें पुराना नियम नया नियम दोनों मालूम होना चाहिए म्हणून आपल्याला जुना करार आणि नवीन करार हे दोन्ही सुद्धा माहीत असले पाहिजे. खाने वाले होणे आणि आपण शिकवणारे असले पाहिजे. सिद्ध देणे सिद्ध देणे सिद्ध देणे नाही होणार आहे हम दुसरों को भी सिखाने वाले होणे आपण फक्त
आपसे तो अभी इतने साल से सुन ही रहे हो सीख ही रहे हो। अरे बाबा कभी तो आप भी टीचर बनो। अरे एवढे वर्षांपासून तुम्ही फक्त ऐकतच चालले, शिकूनच घेतले, परंतु तुम्ही सुद्धा कधीतरी शिक्षक बना। बाइबल में इब्राहिम की पत्री में लिखा है तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तुम अभी भी बालक को दूध पी रहे हो। आई बाइबल में इब्राहिम का स्वतंत्र में लिखा है कि तुम्हें तो गुरु असर पाई जो होता, परंतु तुम्हें आवाजन सुनता का आरोप बालक आरोप तुम लोगों को दूध पीता है। किसको सिखाना है? आई कौन लोग सिखवाए था आगे? जो गलत कर रहे हैं अपने घर के लोग, जो कहीं बिगड़ रहे हैं, वह गलत रास्ते पे जा रहे चर्च में आने वाले व्यक्ति हो, उनको सिखाना है। आई जी लोग चर्च में ये उस उधर गलत चुकी का रास्ते पर चल ले जा रहे हैं, बिगड़ चले गए हैं, क्या ना सिखाई जब पावने 10 बजे आता है ना। आई जी काफी 10 बजे है या 10 बजे आता है ना, केवल 10 बजे है तो उसको मत बोलो टाइम पे आओ। आई जानता ना शाम की टाइम पर भी है, जो लेट आते हैं ना, परंतु जो उसी रात 11 बजे 11:00 12 बजे 12:00 उनको बोलो। आई जानता कौन बोला भाई काका मामा असं उशिरा नाही यायचं चर्चला, पण ताई काका मामा यायचं चर्च मी आपलं लेट मत आहो। प्रभू काय सोमन वचन बताले आणि वचन सांगायचं, समय का सदुपयोग करू आणि वेळेचा सदुपयोग करा। काका हॉस्पिटल मे काम पे टाइम पे जाते थे क्या? काका तुम्ही हॉस्पिटल मध्ये कामावर टाइम वर जायचं का? मग नाही करत चर्च मे आप क्यों लेट आते आणि चर्च मध्ये तुम्ही उशिरा काय येता?
अगले हफ्ते तक अभी आपको भेज दिया है ना, तीन दिन को भेदो कर भेद ज्ञान दिया है वो अगले इसमें उसमें से प्रभु आपको स्वर्ग के राज्य में क्या सिखाता है, तुम्हारा स्वर्गाच्या राज्यामध्ये काय शिकवतो, सात से लेके सात पासून दस आणि दहा पर्यंत ठीक आहे, दुसरा आहे आणि दुसरा आहे एकी बस या दोन आणि एकच बस मी दोन देऊ मेरे पिता परमेश्वर ने प्रकट किए ना कि मां संभव
तो गुप्त भेद का जो प्रकट प्रकटन परमेश्वर की ओर से होता है, पवित्र आत्मा से होता है, वचन से होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे पिता, इनके पास पवित्र आत्मा भी है, पवित्र परमेश्वर इनका पिता भी है और वचन भी है। यीशु के नाम से प्रभु ऐसी समझ इनको दे ताकि ये लोग पूरे प्रकार में नहीं आए। इन सबको यीशु के नाम से कवर करते करूँगा, दया मांगते, छेदा हुआ हाथ मांगते और आपके पुत्र में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लोग इन पर इन्हें आशीषित करते। आज का उपवास प्रार्थना जो इन्होंने अटेंड किया इनको बहुत आशीषित करते, इनके मनोरथों को पूरा करें, इनके घर में शांति घोषित करें। प्रभु इनके घर की सारी गड़बड़ी को दूर कर शांति घोषित करें। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। सरना।